हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं सफाई करने के लिए और मेरे साथ है यशपाल और पीछे से और लोग भी आ रहे हैं और कुछ लोग आगे चले गए हैं। मतलब कि हमारे गाँव के सभी लोग सफाई करने के लिए जा रहे हैं। और सफाई करने के लिए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी 3, 4, 5 अगस्त को हुरंग काई का शुरू होने वाला है, जो कि देव श्री हुरंग नारायण जी के मंदिर में मनाया जाएगा। और अभी जो है हम सफाई करने के लिए इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि देव श्री करौनी नारायण जी, जो कि हुरंग देवता जी के भाई है, वो इसी रास्ते से यानी कि हमारे गांव होकर हुरंग जाते हैं। तो मतलब कि आप सभी को पता ही है कि बरसात के मौसम में बहुत सी झाड़ियाँ उग जाती है, घास वगैरह हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा रास्ता साफ़ करने के लिए जा रहे हैं। और आधे रास्ते तक तो परे लौन वाले आएंगे और आधे रास्ते तक हम जाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। मतलब कि 10-15 किलोमीटर तो होगा ही। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि गांव के सभी लोग आगे जा रहे हैं और ये जीजू साहब के पैर में जोंक फंसी हुई है। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि यहां से सभी लोग जा रहे हैं। सभी ने अपने हाथ में कुछ ना कुछ लिया हुआ है, द्राट या तबरी, ताकि जो भी है झाड़ियां इधर उधर रास्ता साफ करने के लिए काम आएगी। और सामने आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही घना जंगल है और ये जंगल वाला रास्ता है, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा आना जाना कम रहता है, इसीलिए रास्ता साफ करने के लिए जा रहे हैं सभी। ऐसे ऐसे फंसती है मार। एक और ये ताड़ रही वाह वाह। और ओले पास बाल वाला है देख। ये है दोस्तों पीयूष, द्राट वाला आदमी। गुड भाई, कोई चल रहा घूमता है यार। दोस्तों आजकल हमारे यहाँ ये जो है घोंगा बोलते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ इसको फील बोलते हैं, और साथ ही जोंके बहुत ज़्यादा होती है। तो
जंगल में चढ़ना और पानी वाले जगह में चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो फीले होती है इनकी वजह से फिसलन वाला रास्ता होता है, और दूसरा ये जो जोंके होती है ये खून चूसती है। और इन भाई साहब के भी देख सकते हैं आपकी बहुत सारी जोंके फंसी हुई है। तो अभी दोस्तों चलते चलते हम पहुंच गए हैं बहुत ही घने जंगल में, और जो यंग पार्टी है हम आगे निकल चुके हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं अभी पीछे से आ रहे हैं। और अभी हमारे को यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाई दी, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये है बान का पेड़। और जब हम बचपन में बहुत छोटे थे तो उस टाइम हम मतलब कि फट्टी में लिखा करते थे, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कुछ काला काला निकल रहा होगा, तो ये है स्याही। इसको हम मतलब कि पानी में थोड़ा सा मिक्स करते थे और इसके साथ हम बचपन के समय फट्टी पे लिखा करते थे जब हम पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। और साथ ही आप लोग जंगल में बहुत सी इधर उधर की आवाज़ें सुन रहे होंगे। ये है, अच्छा कहाँ जा रहे हैं भाई आप लोग ये द्राट द्रोट डाल के? किस चीज का दौड़ा करेंगे आप? हमारे देवता कौन नारायण आएंगे? कौन से? कौन नारायण। अच्छा अच्छा दोस्तों हम जा रहे हैं घने जंगलों के बीच में से। यहाँ से तो रास्ता बिल्कुल साफ लग रहा है, मतलब कि आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। और अभी हमको बहुत ऊपर तक जाना है, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और यहाँ दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक तो चढ़ाई बहुत अधिक है जिस वजह से आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मैं तो कई महीनों से ही नहाया नहीं हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जोंक की, पता ही नहीं चल रहा है कि कब पैरों में फंस रही है। लेकिन मैं तो अपनी पूरी तैयारी करके आया हूँ, और मैं बहुत बड़े बड़े जूते लगा कर आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें मैंने साथ में ही ब्लीचिंग पाउडर लगा रखी है जिससे कि जोंक जो है मुझे ना लगे। यहाँ भाई साहब पेड़ को काटते हुए यहाँ पर नारायण के लिए रास्ता बना रहे हैं, यहाँ से देवता आएगा। और हम भी जा रहे हैं यहाँ से साफ सफाई करते करते हुए, आगे भाई जाता हुआ गोपाल भाई जी, पीछे यहाँ पीयूष और हम नहाते हुआ। अब हम ऊपर जाएंगे, वहाँ ऊपर बोलते हैं गेट पर जाएंगे, हम वहाँ पे बैठे बूठेंगे फिर हम वापस आ जाएंगे वहाँ से।
तो अभी हम दोस्तों लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां तक हमने सफाई करनी थी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि भाई लोग यहां पे सफाई कर रहे हैं और हमें यहीं तक आना था। और इस जगह का नाम है गेट, और यहां से नीचे को रास्ता सरनी के लिए जाता है। और ये वाला रास्ता क्रॉन से आता है, मतलब कि यहीं से देव श्री क्रौनी नारायण जी आएंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गेट के पास, और यहाँ थोड़ी ऊपर तक रास्ता बिल्कुल ठीक ही है, और यहाँ ऊपर तक क्रौन वाले आते हैं, और क्रौनी नारायण जो है इसी रास्ते से आएंगे। और इस साइड जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा ये है क्रौन वैली, यहाँ से कुछ साफ नहीं दिखाई दे रही है। और ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि जब भी काही का उत्सव होता है हुरंग में, तो जब भी क्रौनी नारायण इस तरफ आते हैं तो हमारे गांव के जो लोग हैं यहां तक रास्ता साफ करने के लिए आते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में आप सभी को पता है कि बहुत सी झाड़ियां और घास उग जाती है, जिस वजह से रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो चलो ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा काम भी है। और साथ में ही आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है मौसम भी ख़राब होने वाला है, मतलब कि धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, हो सकता है कि बारिश आने वाली है। अभी हम यहाँ पे जो यंग है, मतलब कि सभी आए हैं, लेकिन जो बूढ़े आदमी हैं वो नीचे ही रुके हुए हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के बाद हम चल पड़े हैं घर की तरफ। तो चलते हैं अब घर की तरफ।